नमस्कार। सो ये क्लैरिफिकेशन मैं दे रहा हूँ, जो एमसीसी का लेटेस्ट नोटिस आया, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने स्टेट्स को बोला है कि धीरे चलने के लिए। सो देखिए, हम इस बार तो हर बंदा ही लेट चल रहा है, सारी काउंसिलिंग लेट चल रही है, बट फाइनली एमसीसी का एक चिट्ठी आई थी ना कुछ 12-13 दिन पहले, जब इन्होंने अपना शेड्यूल बनाया था और फिर उन्होंने स्टेट्स को भी कहा था कि भाई जैसे राउंड वन अगर एमसीसी का 19 जनवरी से शुरू होके 4 फरवरी तक खत्म होना था, तो उन्होंने स्टेट से कहा था कि आप 27 से शुरू करके 7 फरवरी तक करा दो अलॉटमेंट को रिपोर्टिंग, फिर हम अपना राउंड टू है वो 9 फरवरी से स्टार्ट करेंगे और 26 फरवरी तक लेकर जाएंगे, जो मेरा टोटल 15 दिन का समय तो लगता ही है। और फिर स्टेट से उन्होंने कहा था कि आप उसके हिसाब से हमारे पीछे पीछे आराम से चल सकते हैं, राइट। तो अपना इन्होंने जो भी ये टाइम लाइन डिसाइड करते हैं उसके बाद वो स्टेट्स को इन्होंने एडवाइस किया था कि आप उसके हिसाब से हमारे पीछे पीछे चल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब क्या समस्या हो गई है कि इनका खुद का ही राउंड वन लेट हो गया है एमसीसी का, और जो राउंड टू 9 फरवरी से स्टार्ट होना था वो प्रैक्टिकली कल 15 फरवरी से स्टार्ट होगा। और देखिए, चाहे 2 दिन का भी फर्क हो, हमेशा ये लोग चाहते हैं कि जो स्टेट्स है वो हमें फॉलो करें, मतलब हमारे पीछे पीछे चले, आगे ना चले। लेकिन स्टेट्स को तो ये याद था कि हमें भी चालू होना है, क्योंकि जो उनको पहले से टाइम लाइन दी गई थी, तो शायद ये लेटेस्ट नोटिस बस इसी के लिए है कि एमसीसी 15 से स्टार्ट हो रहा है राउंड टू की रजिस्ट्रेशन, तो ऑटोमेटिकली सारे स्टेट्स कम से कम 18 तारीख से पहले स्टार्ट नहीं हो सकते। और शायद मैं हमेशा कहता हूँ वीकेंड को देखते हुए, शायद अब 21 से स्टार्ट होगा। तो अगर कल या परसों में एमसीसी राउंड टू स्टार्ट करेगा तो मान के चल सकते हैं कि सभी स्टेट्स अपना राउंड टू तकरीबन अगले सोमवार 21 तारीख से पहले स्टार्ट नहीं करेंगे। और अब देख ही रहे हैं, हर जगह राउंड वन की अलॉटमेंट हो चुकी है मोस्टली जगह, तमिलनाडु का बस पता ही नहीं चल रहा है कि गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सीट्स कहाँ क्या हो रहा है। उसके अलावा तकरीबन हर एक स्टेट में राउंड वन की समय अलॉटमेंट चल रही है और किसी भी बड़े स्टेट में राउंड टू स्टार्ट नहीं हुआ है। मेरे क्लाइंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, मैं गट फील से कह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एमसीसी, एज पर जो एमसीसी की नई डेट आई थी काउंसलिंग शेड्यूल की, जिसमें उन्होंने खाली अपना शेड्यूल बताया था आफ्टर मल्टीपल हिकअप्स और वो जो नया केस हो गया था जिसकी वजह से जिमर वाले बच्चे के 4 दिन और लेट हो गए थे, तो इस समय जो शेड्यूल है उसके हिसाब से राउंड टू जो स्टार्ट होगा वो 16 फरवरी से होगा। दैट मीन्स कल आज या कल में कभी भी लेट स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आज या कल में स्टार्ट होता है, अभी तो सीट मैट्रिक्स भी आना है ना कि कितनी सीटें अभी खाली पड़ी हैं, तो आज या कल में वो आएगा, 16 से अगर स्टार्ट होगा तो बहुत रफली मान के चलिए अर्लीस्ट पॉसिबल जो स्टेट्स हैं वो 21 तारीख से स्टार्ट करेंगे, ताकि वो भी रजिस्ट्रेशन जिसको करवानी है, जो अलाउ करता है रजिस्ट्रेशन, जिसको से चॉइस फिलिंग करानी है, शायद वो और 2-3 दिन लेट चलेगा। लेकिन कोई भी स्टेट शायद ऐसा नहीं होगा जो अपनी राउंड टू की अलॉटमेंट, मेरा शब्द ध्यान से सुनिए, राउंड टू की अलॉटमेंट का रिजल्ट कोई भी स्टेट एमसीसी राउंड टू की रिजल्ट से पहले नहीं देगा। वो जो अरुणाचल ने या मणिपुर ने कुछ कुछ कर लिया है, मैं हमेशा कहता हूँ मैं उन स्टेट्स को ट्रैक भी नहीं करता विद ड्यू रिगार्ड्स टू दो स्टेट्स, बट पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, आंध्रा, उड़ीसा, झारखंड की जितनी भी ऐसे स्टेट्स हैं, बड़े स्टेट्स हैं, मतलब वेस्ट बंगाल तक, उन सबका राउंड टू तभी स्टार्ट होगा जब एमसीसी का राउंड वन या अलॉटमेंट की हम बात करें तो वो अपनी अलॉटमेंट लिस्ट तभी निकालेंगे जब एक बार एमसीसी की अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी होगी। तो उसके हिसाब से आप देखिए, टेंशन मत लीजिए, काम हो ही रहा है, बस धीरे धीरे हो गया, क्योंकि मुझे पता पेरेंट्स बहुत जल्दी लोग उन्हें लगता है कि 5-7 दिन हो गए सर का भी कोई मैसेज, हम भी अपने क्लाइंट्स को कम तंग कर रहे हैं आजकल, उन्हें कम इन्फॉर्म कर रहे हैं फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि जिसको सीट आई थी वो एलोकेशन में गया हुआ था, राउंड वन में रिपोर्टिंग में गया हुआ था और राउंड टू कहीं स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो क्या बात करें, क्या काम करें, ठीक है। सो ये है इस नोटिस का मतलब, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि आपका जो वेट है वो मिनिमम 7 डेज के लिए और बढ़ गया है जो स्टेट्स के लिए बारे में सोच रहे हैं। ओके, बाय बाय।